तो अगर आप सोच रहे हैं दी ऑल न्यू रेनो की ट्राइबर लेने का, तो आज का वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बताने वाला हूँ अबाउट द ऑल न्यू रेनो ट्राइबर। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और अगर आपको रेनो ट्राइबर का और वीडियो देखना है तो मैंने वो वीडियो भी बना रखा है जिसमें मैंने गाड़ी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ दी है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो वो वीडियो देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ जाऊंगा, आप उसे टच करके या ओपन करके उस वीडियो को देख सकते हैं, रेनो ट्राइबर वाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आज का वीडियो आप किसी काम आता है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, मैं वहाँ पर भी ऑटोमोबाइल्स के अपडेट्स देता रहता हूँ। तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, सर्च करें प्रकाश महंत। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। शुरू करते हैं इस गाड़ी के पहले पॉजिटिव पॉइंट की। तो इस गाड़ी का जो पहला पॉजिटिव पॉइंट है वो मुझे लगा इस गाड़ी का साइज़। इस गाड़ी का जो साइज़ है वो सिर्फ 4 मीटर का है। 4 मीटर मतलब जो स्विफ्ट की डिज़ायर आती है वो भी इसी साइज़ की है, सिर्फ 4 मीटर की। तो इसका जो 4 मीटर का साइज़ है उससे इस गाड़ी को टैक्स में बेनिफिट मिलता है, जिससे कि इस गाड़ी में ज़्यादा टैक्स नहीं पड़ता और ये गाड़ी आपको काफ़ी कम दाम में मिल जाती है। वैसे ही स्विफ्ट डिज़ायर भी है, वो भी 4 मीटर के अंदर की होने की वजह से उसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो अभी बात करते हैं ट्राइबर की। तो ट्राइबर भी 4 मीटर की गाड़ी है, जिससे कि आपको पार्किंग वगैरह में दिक्कत नहीं आएगी और आप कहीं भी इसे पार्क कर सकते हैं काफ़ी ईजिली। और आपके फैमिली के लिए भी बहुत बढ़िया गाड़ी है, क्योंकि ये एक 7 सीटर MPV गाड़ी है, मल्टीपर्पज़ व्हीकल, और आप इस गाड़ी को एंट्री लेवल MPV बोल सकते हैं। और ये गाड़ी सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है, जैसे कि ABS, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, EBD, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, रियर पार्किंग सेंसर्स, स्पीड अलर्ट वार्निंग और ड्यूअल फ्रंट एयरबैग। अगर आप इस गाड़ी का टॉप मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको 4 एयरबैग्स देखने को मिल जाएंगे। और इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो है 2636 mm का, जो कि बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी लंबा व्हील बेस है। तो आप जब हाई स्पीड पर इस गाड़ी को चला रहे होंगे तो आपको स्टेबिलिटी थोड़ी अच्छी मिल जाएगी। लेकिन ये MPV है तो इसका साइज़ थोड़ा सा ऊंचा है, लंबा है, तो इसमें आपको वो चलाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। और इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी सही है, 182 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। और लुक्स में तो आप देख ही सकते हैं, गाड़ी काफ़ी स्टनिंग, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, काफ़ी रोबस्ट लुक है गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल का। तो लुक के मामले में मुझे गाड़ी तो बहुत ही बढ़िया लगी। और साइज़ तो मुझे लगता ही है, क्योंकि ये 4 मीटर का है, 4 मीटर काफ़ी छोटा होता है और इंजीनियर्स ने काफ़ी अच्छे से इसमें मैनेज किया है स्पेस मैनेजमेंट, और इस गाड़ी को 7 सीटर बनाया है। इसकी जो लास्ट रो सीट्स हैं उनके बारे में अब बात करते हैं, जो कि आज के टॉपिक का सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। जो दूसरी खूबी है इस गाड़ी की वो है इसका थर्ड रो। अगर आप सोच रहे होंगे ये गाड़ी 4 मीटर की है और काफ़ी छोटी है, तो इसका जो थर्ड रो में बैठने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। जैसा कि जो कि डैटसन की गो प्लस आती थी वो भी एक 7 सीटर थी, लेकिन उसका जो लास्ट रो था थर्ड रो, उसमें स्पेस ही नहीं होता था, बहुत ही कम ज़्यादा स्पेस था, बहुत ज़्यादा कम। तो इसमें वैसा कुछ नहीं है, इसमें स्पेस आपको डिसेंट मिलेगा, 5.8 इंच के एडल्ट इसमें आराम से बैठ सकते हैं इस गाड़ी के जो थर्ड रो है उसमें। और आपको AC की भी कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको AC भी बहुत बढ़िया मिलेगा। और इसमें जो कुशनिंग है वो बहुत ही बढ़िया मिलती है आपको सारे सीटों में। फ्रंट सीट की जो लोअर बैक सपोर्ट है वो भी बहुत ही बढ़िया है, तो सीट के जो कुशनिंग व कम्फर्ट वगैरह है वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो ये थी इसकी जो दूसरी खूबी थी, वो है इसका जो लास्ट रो है वो। और इसके लास्ट रो के बारे में एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप उस लास्ट रो को फोल्ड करके रखते हैं और गाड़ी को सिर्फ 5 सीटर रखते हैं, तो इसमें आपको जो बूट स्पेस मिलेगा वो मिलेगा 625 लीटर्स का। तो लास्ट रो को जब आप दबा कर रखेंगे या निकाल ही देंगे तो आपको लगभग 625 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाएगा। अगर आप जो थर्ड रो है उसको भी अप रखते हैं, उठाए रखते हैं, तो आपको सिर्फ 84 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा। और इसका जो थर्ड रो है उसे आप टोटली रिमूव कर सकते हैं, मतलब कि वो जो सीट है उसको आप पूरा ही बाहर निकाल कर रख सकते हैं। और वो 50-50 स्प्लिट सीट फंक्शन के साथ आता है, मतलब कि जो लास्ट रो है उसे आप आधा फोल्ड करके रख सकते हैं, और आधा फोल्ड ना करें तो वहाँ पर कोई आदमी बैठ सकता है। उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आप एक आदमी को बैठा देते हैं तो उसके बाजू में सीट को फोल्ड करके
उसमें जो सामान वगैरह है उसे आप रख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया फीचर है जिसका जो इसका थर्ड रो है वो टोटली बाहर हो जाता है। तो इसमें आपको बहुत ही बढ़िया स्पेस मिल जाती है 625 लीटर्स की, अगर आप इसके जो थर्ड रो है उस दोनों सीटों को निकाल देते हैं तो। और इसका जो सेकेंड रो सीट है वो 60-40 स्प्लिट सीट फंक्शन के साथ आता है और उसमें टोटल रिक्लिनेशन आपको मिल जाता है, मतलब कि आप उस सीट को पीछे झुका सकते हैं और आगे या पीछे भी कर सकते हैं इसके सेकेंड रो सीट को। तो ये था दूसरा खूबी इसके सीट्स के बारे में। अब बात करते हैं इस गाड़ी के तीसरे खूबी की। तो इस गाड़ी का जो तीसरा खूबी है वो है इस गाड़ी का एसी वेंट्स। इसमें आपको फ्रंट में एसी वेंट तो मिलते ही है, साथ ही साथ इसमें जो सेंटर में एसी वेंट दिए गए हैं वो थोड़े ऊपर सिचुएट किए गए हैं म्यूज़िक सिस्टम के ऊपर। इससे क्या होगा कि जो सेकेंड रो सीट्स हैं उनके वो काफ़ी अच्छे से हवा पहुंचेगी उन तक, क्योंकि ये जो एसी वेंट है वो ऊपर सिचुएट किए गए हैं तो डायरेक्ट फ्लो वो पीछे देगा, तो इससे पीछे वालों को भी कूलिंग काफ़ी अच्छी मिलेगी। अब बात करते हैं एसी के और पॉजिटिव पॉइंट की। तो इसमें जो सेकेंड रो है वहाँ पर भी आपको इसमें एसी मिलेगा जो कि आपको इस गाड़ी के बी पिलर पर देखने को मिलेगा। तो इस गाड़ी के बी पिलर में अंदर में आपको एसी का वेंट दिया जाएगा दोनों ही तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों ही तरफ, जिससे कि इसमें आपको सेकेंड रो में भी कूलिंग काफ़ी बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है। और अब बात करते हैं थर्ड रो के एसी वेंट की। तो जी हाँ, आपने सही सुना कि इस गाड़ी में आपको तीसरे रो में भी एसी वेंट आपको देखने को मिलेगा जो कि सिचुएट रहेगा रूफ़ पे, जिसे कि रूफ़ माउंटेड एसी वेंट कहा जाएगा। और ये जो एसी वेंट है वो छत पर लगा होगा गाड़ी के, तो जो थर्ड रो है उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया कूलिंग मिलने लगेगी। तो एसी के मामले में भी काफ़ी सुपर फाइन है ये गाड़ी, तो कूलिंग आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाएगा। तो ये एसी का जो कूलिंग था ये था आज का थर्ड पॉजिटिव पॉइंट। और अगला जो चौथा पॉजिटिव पॉइंट है वो इस गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी है। तो इस गाड़ी में आपको प्रैक्टिकलिटी भी बहुत ही बढ़िया मिलती है। जो डैशबोर्ड है उसमें आपको दो स्टोरेज एरिया मिलते हैं, जो डैशबोर्ड में है उसमें आपको ऊपर में भी काफ़ी बड़ा स्टोरेज एरिया मिलता है और उसके नीचे भी एक सेकेंड कंपार्टमेंट भी मिल जाता है जिसमें आपको काफ़ी बड़ा स्टोरेज एरिया देखने को मिलता है। और एक जो हैंड ब्रेक है उसके जस्ट बाजू में एक और स्टोरेज एरिया मिलता है जो कि कूल्ड है, तो आप उसमें अगर अपनी जो पानी की बॉटल है उसे रखेंगे तो वो ठंडी की ठंडी ही रहेगी, जैसे कि कूल्ड ग्लव बॉक्स कहा जाता है। तो ये भी बहुत ही बड़ी फीचर है कि आपको इसमें कूल्ड स्टोरेज एरिया मिल जाता है। तो ये वाला जो फीचर है ये और दूसरी गाड़ियों में नहीं मिलता। तो इस गाड़ी में बोल सकते हैं कि आप जितने जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको इस गाड़ी में फ़ीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। अब बात करते हैं गाड़ी के पाँचवें पॉजिटिव पॉइंट की, वो है इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको मिलता है 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो ये सारे फीचर्स होंगे। तो इसमें बहुत ही बढ़िया आपको टच वगैरह देखने को मिलता है और इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा विद सेंसर्स भी मिल जाएगा जो कि इसमें यहाँ पर डिस्प्ले होगा जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो। और अगला जो खूबी है गाड़ी का, जो छठवां खूबी है वो है इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है वो काफ़ी अपग्रेडेड, काफ़ी अप मार्केट लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी लगभग इलेक्ट्रिक कार्स में जैसा कि यूज़ होता है ये कुछ उस तरह से लग रहा है। तो इसे देखने से लगता है कि ये जो कार आप चला रहे हैं वो इलेक्ट्रिक कार है। इसका जो थीम, जो डिज़ाइन दिया गया है वो एक इलेक्ट्रिक कार जैसा दिया गया है। और इसमें जो सेंटर पे MID डिस्प्ले मिलता है जो कि 3.5 इंचेस का है, उसमें आपको गाड़ी की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शो होती है जैसे कि ट्रिप मीटर इन्फॉर्मेशन और जो एवरेज से रिलेटेड है वो इन्फॉर्मेशन मिलेंगे और ओडोमीटर और भी रेंज, डिस्टेंस टू एम्प्टी और भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो अगला खूबी है वो है इस गाड़ी का जो रूफ रेल है, जो छत पर आप रेलिंग देख रहे हैं ये लगभग 50 किलो तक का वजन आप इस पर रख सकते हैं। तो ये जो रूफ रेल है वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, आप इसमें 50 तक का किलो का जो वजन है वो डाल सकते हैं या कुछ सामान 50 किलो का रख सकते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट्स की। तो देखिए, जैसा कि हर गाड़ी में खूबियाँ होती है साथ ही साथ इसमें जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी होते हैं, मतलब कि जो खामियाँ हैं वो भी हर गाड़ी में होती हैं, कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं आती जिसमें कि खामियाँ नहीं होती। तो इस गाड़ी का जो पहला नेगेटिव पॉइंट है वो है इस गाड़ी का इंजन। इंजन आपको इसमें वही क्विड वाला मिलेगा जो कि काफ़ी छोटा है, 1 लीटर का 3 सिलेंडर वाला,
लेकिन इसमें जो क्विड का इंजन आपको मिलेगा वो ग्लोबली मतलब कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्विड का इंजन दिया जाता है वो वाला इंजन मिलेगा एनर्जी सीरीज़ का। इसे नाम दिया गया है एनर्जी सीरीज़ और यह कंप्लाइंट रहेगा BS6 नॉर्म्स के साथ। तो इसमें आपको क्विड से थोड़ा सा ज़्यादा पावर मिलेगा, लेकिन इस गाड़ी का वजन है थोड़ा सा ज़्यादा है क्विड से, उस वजह से आपको इसमें पावर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा और ये गाड़ी आपको थोड़ी सी अंडर पावर लग सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी खड़ी ही हो जाएगी, चलेगी ही नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी लोगों ने कमेंट करके बोला और काफ़ी लोगों के दिमाग में ये भी है कि ये गाड़ी जो है 1 लीटर इंजन के साथ आ रही है तो ये अंडर पावर रहेगी, इसमें आपको चलाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। हाँ, ये बात तो है कि इस गाड़ी को चलाने में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन ये गाड़ी चल सकती है एवरेज। जैसा कि मैं एक एग्जांपल दे दूँ तो जो मारुति सुजुकी की ओमनी आया करती थी उसमें सिर्फ 800 सीसी का एक पेट्रोल इंजन हुआ करता था जो कि लगभग 8 से 10 लोगों को लेकर जाता था। तो इसमें तो 1000 सीसी का दिया है लगभग, उस इंजन से इस गाड़ी में आपको 200 सीसी ज़्यादा पावर मिलता है। तो ये इसमें जो 1 लीटर का इंजन है वो भी इनफ रहेगा, ज़्यादा पावरफुल फन टू ड्राइव में नहीं कह सकता, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा अंडर पावर लगेगा बट गाड़ी चलेगी, कहीं रुकेगी नहीं, आपको इसमें मिनिमल पावर मिल जाएगा। और जो गियर बॉक्स है वो भी आपको इसमें 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक मिलने वाला है। तो ये जो पहला जो खामी था गाड़ी में वो है इसका इंजन जो कि 1 लीटर का है। अब जो दूसरा खामियां है वो है इस गाड़ी का फॉग लैम्प। इस गाड़ी में आपको कोई भी फॉग लैम्प देखने को नहीं मिलेंगे, इसमें जो फॉग लैम्प का जगह होता है वहाँ पर आपको इस गाड़ी में LED DRL मिलता है। तो इसमें फॉग लैम्प दे देना था जिससे कि इस गाड़ी की जो रात में विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती, काफ़ी बढ़ जाती विजिबिलिटी, तो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है गाड़ी। लेकिन इसमें जो टॉप मॉडल है उसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा जो रोशनी है जो विजिबिलिटी है वो प्रोवाइड कर देगा। लेकिन फॉग लैम्प के होने से इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको रात में। तो जो दूसरा कॉन्स था वो यही था इस गाड़ी का जो फॉग लैम्प है वो। और जो तीसरा इस गाड़ी का खामियां है वो है इसका जो पेट्रोल ऑयल पम्प है वो। जो पहले की क्विड आती थी उसमें यही दिक्कत था कि उसमें जो ऑयल सम था वो फाइबर का दिया जाता था, जिससे कि पेट्रोल जाता है वो उसमें क्विड में फाइबर का दिया हुआ था, वही इसमें ना दे उससे काफ़ी दिक्कत आया था लोगों को। तो होप्स हो कि इसमें ना दे। अब ये चीज़ तो रिवील नहीं हुई है कि इसमें का जो ऑयल सम है वो फाइबर का आएगा या फिर स्टील वगैरह का, तो देखते हैं इसके इसका नेगेटिव पॉइंट सच होता है या नहीं। होप्स हो कि इसमें ना दे जिससे कि गाड़ी का जो काफ़ी लोगों के दिमाग में मेंटालिटी है कि वो जल्दी टूट जाता है, तो ऐसा नहीं है, वो फाइबर का है बट ठीक ठाक वो काम करता है, जल्दी से नहीं टूटता। तो बस यही थे इस गाड़ी के खूबियाँ और खामियाँ। और हाँ, अब मैं एक और जो बोनस है वो बता देता हूँ आपको, एक और पॉइंट बता देता हूँ जो इस गाड़ी का जो माइलेज है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो रेनो की क्विड थी उसमें 23 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज जो है क्लेम किया जाता था, तो आप इसमें मान सकते हैं कि मेरे हिसाब से 18 से 19 का माइलेज आपको हाईवे पर यह गाड़ी दे देगी 7 लोगों के होने के बावजूद। और अगर सिटी में एक बात कहूँ तो सिटी में मुझे लगभग इस गाड़ी से 12 या 14 तक का माइलेज मिल जाना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो सिटी में इस गाड़ी में आपको 12 से 14 का माइलेज और हाईवे में आपको इस गाड़ी में लगभग 18-19 का माइलेज मिल जाना चाहिए। तो ये रहेगा इसका माइलेज फिगर्स। और अभी ये गाड़ी सिर्फ अनवील की गई है, सिर्फ रिवील की गई है ये गाड़ी, तो इस गाड़ी के जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो अभी ज़्यादा नहीं बताया जा सकता। तो जब इस गाड़ी को मैं चला करके देख लूँगा उसके बाद इस गाड़ी के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो और भी मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आगे भी ऐसे ही ऑटोमोबाइल से वीडियो अपलोड करता रहूँगा और अब वो सब आपके काम आ सके। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर भी ऑटोमोबाइल्स के अपडेट्स देता रहता हूँ। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल PM's फोटोग्राफी एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम सर्च प्रकाश महंत।